यहाँ देखिए कैसे ये लेपर्ड घात लगाकर इस क्रोकोडाइल की तरफ बढ़ रहा है। रेत पर आराम से धूप सेक रहे इस क्रोकोडाइल को कोई खबर ही नहीं है कि उसकी मौत पानी में बिना आवाज किए तैरते हुए उसकी ही ओर आ रही है। जैसे ही लेपर्ड वहाँ पहुँचा, उसने क्रोकोडाइल पर पीछे से हमला किया और उसे धर दबोचा। क्रोकोडाइल इस अचानक हुए हमले से बौखला गया और उसे संभलने का बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला। देखते ही देखते लेपर्ड ने उसे मौत के घाट उतार दिया और अपने भोजन को खींचता हुआ पानी से बाहर ले आया। क्रोकोडाइल जो खुद इसी तरह घात लगाकर शिकार करता है, आज वही शिकार हो गया। इस वीडियो को देखकर आपको लगेगा कि जरूर हिप्पो ने ये निर्मम जंगल राज खत्म करने की ठान ली है। जब कुछ विल्डबीस्ट मिलकर नदी किनारे पानी पी रहे थे, तभी पानी के अंदर घात लगाकर बैठा ये समुद्री राक्षस क्रोकोडाइल उन पर अचानक और जोरदार हमला कर देता है और उनमें से एक विल्डबीस्ट की टांग पकड़ लेता है। बेचारा विल्डबीस्ट बहुत मेहनत करता है खुद को बचाने की, मगर मगरमच्छ की कैद से आजाद नहीं हो पाता। तभी पानी में से एक हिप्पो आता है और किसी हीरो के माफिक और गुंडे के चंगुल में फंसी हीरोइन को आजाद करवाता है और मगरमच्छ को पानी में दूर तक खदेड़ कर आता है। क्रोकोडाइल बेचारा अब कभी हिप्पो के आसपास होते हुए शिकार करने की कोशिश नहीं करेगा।